हर हफ्ते जब स्वच्छकार समाज की आवाज में जब बात करते हैं तो ऐसे व्यक्तित्व से बात करते हैं जिन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, समाज में एक उल्लेखनीय काम कर रहे हो। आप सब जानते हैं कि हमने पहले ही सूचित किया था आपको, आज हम बात करेंगे पद्मश्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ। आप परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा विश्व आपके काम से, आपके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित है। जी हाँ, मैं बातचीत करना चाहूंगी, उससे पहले एक सरका ही बहुत सुंदर खूबसूरत प्रकृति प्रदत्त गाना मैं चाहूंगी कि दर्शक उसको एंजॉय करें, उसके बाद हम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के पास आते हैं। गाना हम लोग सुनाई पड़ेगा नहीं, हमने भी हाँ सुनाई पड़ेगा। अच्छा, वो गाना हंसना मेरा काम। Let's go.
ये थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जो एक कवि के रूप में हैं, लेखक के रूप में हैं, संगीतज्ञ के रूप में हैं, गायन के क्षेत्र में उतनी ही हिस्सेदारी जितनी क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंटिस्ट भी कहा जाता है। जितना परिचय आपका है, अगर मैं फेसबुक के मित्रों को और स्वच्छकार समाज के लोगों को देना चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है। मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगी कि आप समाजशास्त्र में डॉक्टरेट हैं, अंग्रेजी में आपने डॉक्टरेट की है, डीलिट की उपाधि से आप विभूषित हैं और पद्म भूषण से आप सम्मानित हैं। भारत के गौरव हैं, न केवल भारत के हिस्से को आपने मैला मुक्ति से प्रचार प्रसार के काम में लगे हुए हैं, बल्कि विश्व के तक आपने नाम अपना पहुंचाया है। अगर मैं ज्यादा ना कहूँ तो ये जरूर कहूंगी, जिस प्रकार से जेम्स वॉट, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम, वाष्प इंजन, सापेक्षवाद, गुरुत्वाकर्षण, पेनिसिलिन का आविष्कार जिस तरीके से जिन्होंने किया, उसी तरह से आप तकनीकी के आविष्कारक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को देख सकते हैं। थोड़े से परिचय में ये जरूर कहना चाहूंगी मैं कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को यूएन हैबिटेट ने सुलभ को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस घोषित किया है, जिसके लिए आपको सर मैं स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार कहती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, जो एक बड़ा सुलभ इंटरनेशनल सेंटर में जो ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा का पूरा, उसमें एक बड़े कदवार सोशल एक्टिविस्ट है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से, तमाम फेसबुक के मित्रों की तरफ से। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी से बात करने के लिए। सर, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि आपने न केवल भारत में बल्कि चीन, वियतनाम, हमारा मतलब जो दुनिया के जो तमाम लोग हैं, जो एक तरह से जो तकनीकी में जो पांच आविष्कार हैं उसमें से एक आविष्कार आपको जाता है, इसका क्रेडिट न केवल क्रेडिट कहूंगी बल्कि जो आविष्कार आपने किया है शौचालय के क्षेत्र में वो एक अद्भुत है। पूरी दुनिया उसको जानती है, हमारे स्वच्छकार समाज के लोग भी उसको जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे रूबरू हूँ। सर, मैं समय का अभाव देखते हुए, आपकी व्यस्तता को देखते हुए, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने 1970 में जो सुलभ शौचालय संस्थान बनाया और फिर उसके बाद यात्रा जो हुई सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने की, उस यात्रा की शुरुआत किसकी प्रेरणा से हुई? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो भारतवर्ष में खुले में जो सोच करना और सिर पर मैला ढोने जैसी कुप्रथा है उसको समाप्त करने के लिए
ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसकी शुरुआत कैसे आपने की? जी सर, संजोग से कहिए, मैंने बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति, एक संस्था बनी थी गांधी जी के 100वां वर्ष जन्मदिन मनाने के लिए, उसी संस्था में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया था। उस समय ये समिति ने निर्णय लिया था कि जो मैला ढोने की प्रथा है, अमानवीय है, अस्वास्थ्यकर है, और गांधी ने यहाँ तक कहा था कि इस प्रथा को दूर करने के लिए मेरा पुनर्जन्म निर्देश होता है, तो मैं वाल्मीकियों के घर में पैदा लेना चाहूँगा ताकि उनको इस अमानवीय काम से हम निकाल सकें। दूसरी समस्या थी हमारे यहाँ खुले रूप में शौच करने की। तीसरी समस्या थी हमारे यहाँ कि सार्वजनिक जगह पर कहीं भी शौचालय नहीं होते थे। आप स्टेशन जाएं, बस स्टैंड जाएं, कहीं तीर्थ में जाएं या पर्यटन स्थल में जाएं, तो ये जो समस्याएं थी, तो शताब्दी समिति ने निर्णय लिया कि गांधी के शताब्दी वर्ष में क्यों नहीं इस अमानवीय प्रथा को दूर किया जाए, और इसके लिए मुझे ये काम दिया गया। समय का अभाव है इसलिए मैं विस्तार नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बचपन में मैंने एक महिला को छू दिया था, उसके चलते मुझे दादी ने गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, गंगा जल से स्नान कराया था, और यही महीना जनवरी का महीना वो भी था। तो अब आप सोच सकते हैं कि किसी महिला को छू देने से अब वो हम अपवित्र हो गए और हमको ये शुद्धिकरण किया गया हमारा। तो ये जो प्रथा थी इसी को समाप्त करने के लिए मुझे कहा गया। तो मैंने अपने जो महासचिव थे उनसे बचपन की कहानी बताई और बताया कि मैं कैसे काम करूंगा इन लोगों के साथ में, चूंकि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें मैं लाइट देख रहा हूँ, तुम इस काम को कर सकते हो। तो ये है कि मुझमें काम करने के समय विरोधाभास तो था, बहुत नहीं था, क्योंकि बचपन से मेरे जहन में बात थी स्विंग कि आखिर जो महिला आती थी मेरे घर में सूप देने के लिए, डगरा देने के लिए, वो जब लौटती थी तो दादी पानी छिड़ती थी, और लोग आते थे तो दादी पानी नहीं छिड़ती थी, तो लोग कहते थे कि वो अछूत थी और इसीलिए दादी जो है पानी छिड़ती थी। तो मैं उसको छू करके देखता था कि कोई परिवर्तन शरीर में होता है कि नहीं होता है, तो कुछ होता नहीं था। एक दिन दादी ने छूते हुए देख लिया, तो मेरे बचपन में 6-7 वर्ष का था ही, तो उतना मैं तो नहीं विश्लेषण कर सकता था, लेकिन ये मेरे मन में बात थी कि ऐसा समाज कैसे है जिसमें कोई छूत है कि वो अछूत है। तो कठिनाई हुई हमको जरूर, लेकिन बहुत विरोधाभास नहीं हुआ, इसलिए कि मैं स्वयं सोच रहा था कि ऐसा होता क्यों है। तो हम बिथिया में जो वाल्मीकि कॉलोनी है वहाँ रहे, समय का अभाव इसलिए सब कहानी छोड़ रहे हैं, तो ये वहाँ रहे, वहाँ पर जाके उनके साथ खाना खाया, बैठे, बातें की और अपने को तैयार किया इस बात के लिए कि इनके साथ हम काम करें। एक सिर्फ कहानियाँ कई है, पर एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं घटना है, तो कि वो एक बच्चा जो है वाल्मीकि कॉलोनी का था, उसको बुल ने, शाह ने अटैक कर दिया, लाल कपड़ा पहने हुए था जैसा मैंने बंदी पहना हुआ है जी। और वो शाह जो है मारने दौड़ा बच्चे को, सब दौड़े बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि लड़का वाल्मीकि कॉलोनी का है, सब ने छोड़ दिया, तो उस बच्चे को इतना हर्ट कर दिया शाह ने, हम लोग ले गए अस्पताल में, दम तोड़ दिया। वहीं पर हमने गांधी की कसम खाई कि गांधी के सपना को हम पूरा करके रहेंगे। 1934 में गांधी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में अपर कास्ट के लोगों को, ब्राह्मणों को बुलाया उनके साथ खाना खाने के लिए। शाम में सब आए,
खाना खाने के लिए, रात रात कही उसको, लेकिन जब खाने का समय हुआ तो मना कर दिया, कहा गांधी जी के साथ खाना नहीं खाएंगे हम। तो गांधी ने लिखा है कि इंडियन स्ट्रेटजी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनेबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। तो ये जो गांधी की प्रेरणा से ही ये सुलभ की यात्रा हमारी है, और पूरा जीवन लगा दिया हमने, 50 वर्ष मेरा हो गया इस काम में, तो गांधी की प्रेरणा से ही ये सारा काम, सारे काम की शुरुआत हुई, और आप लोग शिवाज से इस काम हम लगे हुए हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने ऐसे वर्ग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जो बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर था, तो एक तरह से यूं मैं एकदम अपने कड़वे समाज की जो व्यवहारिकता है उसको देखते हुए आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप क्योंकि इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या जो अपनी जो समुदाय है, खासकर जो अपर समुदाय है, वो आपको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता कि आप तो इनके लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं जैसे होंगे? नहीं, शुरू में तो जैसे मैं, पिताजी दुखी थे और लोग तो अपमान करते ही थे हमको, बाल्मीकि का के पुकारते थे, और फिर जो मेरी शादी हो गई थी तो मेरे जो ससुर जी, जो फादर लॉ थे, वो डॉक्टर थे, धनी थे, तो वो बड़े नाराज होते थे हम पर। एक दिन नाराज इतना हो गए हम पर कि कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूँ। आप सोचिए कि जिस घर में दामाद सबसे रिस्पेक्टेड होता है, वो ससुर कह रहा है कि हम आपका चेहरा देखना नहीं चाहते। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, और उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि इसकी शादी जो है किसी दूसरे जगह कर दी जाए, तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम तो गांधी का सपना पूरा करना शुरू किया है और इतिहास बदलना है मुझे, अब तो हम इस काम को छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप परीक्षा कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, मुझे कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि समाज का कितना रिएक्शन हो रहा था उस समय में, और जहां मैं जाता था बैठने के लिए वो मुझे बैठने नहीं देते थे, कहते उधर बैठिए आप, वाल्मीकि के नेता के नेता है। तो ये अपमान तो बहुत मिला हमको इस काम में, और मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो आर्थिक भी कष्ट, स्टेशन पर सोए, धूप में मिलो मिलो चले, रात में जो है ना तो वो प्लेटफॉर्म पर सोए, तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं छोड़ देता हूँ। तो सामाजिक भी आर्थिक भी ये तो मुझे अपमान सहने पड़े, लेकिन ये है कि मेरे मन में जिन बात थी कि गांधी का सपना पूरा करना है, तो इसमें हम लगे रहे। और एक किताब है, उपन्यास है, अनटचेबल, वो डॉक्टर मुखराज आनंद का लिखा हुआ है, उसके प्रीफेस में एक अंग्रेज ने लिखा है, ई एम फोस्टर ने, कि इनको इस काम से निकालने के लिए कोई त्याग तपस्या नहीं चाहिए, कोई कसम नहीं खाइए, कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक फ्लश शौचालय बना दीजिए। तो ये जो है ये प्रेरणा के रूप में ही मेरे पास ये बात आई, और जो मेरा सबसे कंट्रीब्यूशन ये है, समय नहीं है फिर भी, ये जो दो फीट का शौचालय है ये आप देख रहे हैं, तो ये शौचालय जो है जिसमें एक अब सारा इंडिया बन गया है, अब सब लोग जान रहे हैं इसको, आजकल ऐसा नहीं कि नहीं जान रहा है इसको, तो ये है कि एक गड्ढा भरता है, एक चालू होता है, फिर जब पहला भर जाता है तो दूसरे को चालू किया जाता है। ये ना आप फोन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए जिससे दर्शकों को दिखाई दे। अच्छा, ये फोन को थोड़ा सा, फोन को, अच्छा अब बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अब सही है, इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है, सत्सैया के दोहरे और नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर जी। ये जो छोटे टेक्नोलॉजी है, इसी ने इसी क्रांति की है, और इसी से महिला ढोने की प्रथा समाप्त हुई, इसी से जो है खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हुई,
तो ये है इसमें जो खाद हो जाता है इसमें, ये अब देखिए हम आपके लिए इसमें ये सुनते हैं आपके लिए, पखाना मेरे हाथ में है और कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्म में है, खाद के फॉर्म में है। तो इसका ही आविष्कार किया हमने और इसको फिर शुरू किया लगाना हमने, और इसी कारण से दोनों प्रथा समाप्त हुई है, छुआछूत की भी और खुले रूप में शौच करने की भी। जी जी सर, टॉयलेट म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके जो महावीर एन्क्लेव में टॉयलेट म्यूजियम है पूरा का पूरा, आपने प्राचीन से लेके और आधुनिक टॉयलेट तक पूरी दुनिया के टॉयलेट किस तरीके से हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं सर। ऐसा हुआ कि मैं लंदन में एक बार गया था तो मैडम तुषार म्यूजियम वहां पर है, तो मैं देखने गया था वहां पर। तो उस मैडम तुषार म्यूजियम में एक अंग्रेज, लंबा तो अंग्रेज होते ही हैं, दुबला पतला था वो बहुत, वो खड़ा था वहां पर दीवार से सटा हुआ। तो हमको लगा कि ये आदमी स्टैचू है या आदमी है, एकदम उसकी आंखें ब्लिंक नहीं करती थी। तो मैंने उसके पेट में उंगली करके देखा कि आदमी है कि स्टैचू है ये। तो जैसे ही उसके पेट में उंगली की मैंने तो जोर से चिल्लाया, Why did you touch me? I'm sorry, sir. Are you human being? Yes, I am human being. तो फिर हंसी मजाक हुआ उससे। तो वहीं पर हमने तय किया कि ऐसा एक म्यूजियम बनाना चाहिए। फिर देखा कि कैसा म्यूजियम, मैडम तुषार म्यूजियम तो हल्ली है ही है, तो उसके नकल करने से क्या फायदा है। तो मैंने सोचा कि मैं शौचालय पर काम करता हूँ तो क्यों नहीं शौचालय का म्यूजियम बनाया जाए। तो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, बहुत से तो हम अपने स्वयं गए विदेशों में और जाके वहाँ से लाए बहुत सब सामान, बहुत से देशों ने भेजा हमको, बहुत से लोगों ने भेजा। तो ये इसकी जो कल्पना है मैडम तुषार म्यूजियम से ही हुई। और आज जो है टाइम्स मैगजीन ने आज से कुछ साल पहले वो प्रकाशित किया था लेख 10 म्यूजियम का, वियर्ड म्यूजियम का किया था, उसमें एक सुलभ का शौचालय के म्यूजियम भी था उसमें जी। तो आप देखिए सबसे चीज जो लोग पूछता नहीं था वो जो वो चीज से लगा हुआ है, ये जो है ना आपका वो जो किवाड़ जो बना हुआ है। अब ये देखिए इसमें ये किवाड़ जो है ये खाद का है, ये खाद का है। देखिए इसमें जो है ना, अब ये गेंद जो है ये आपको जो लड़कों को हम लोग दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ताकि उनको छुआ छूत से और इससे उनका जो इनर्शिया है ब्रेक हो वो, और साथ साथ खेलने के लिए उनको मिल जाए। और उसी का ये बना हुआ है दरवाजा। तो ये मेक्सिको का एक स्कल्प्टर था, वो आया था बनाने के लिए। तो पूछा था हमने कि भाई ये आप क्यों बना रहे हो, क्या मतलब इसका है। तो कहा कि इसको हम रखेंगे आर्ट म्यूजियम में, जो आर्ट गैलरी होती है वहां पर रखेंगे, और जैसे रखेंगे लोग पूछेगा क्या है ये, हम ये पखाने का खाद का है, पखाने का खाद का है कि और कैसे बनता है, तो फिर कहानी शुरू हो जाएगी। तो पूरे सैनिटेशन के बारे में जो समस्या विश्व की है और भारत की है उसके बारे में कहने में सुविधा होगी हमको। ऐसे खड़ा होकर बोलेंगे कोई समझेगा नहीं क्या है क्या नहीं है ये। तो म्यूजियम का जो सबसे बड़ा रोल ये है कि लोग यहाँ जो आते हैं देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें बहुत सब लगा हुआ है सामान, एक उसमें ये है लुई 14 है, किंग था उसका जो लगा हुआ है, जहाँ की वो शौच करके ही ऑडियंस देता था। तो लोग ने कहा उसको कि भाई उसका जो थ्रोन था, तो उसके लोगों ने कहा कि सर आप जब खाना खाते हैं उसमें बात कीजिए, इसको आप प्राइवेट में कीजिए इसको। एक उसमें है कि जैसे आप ट्रैफिक जाम में हैं या मान लीजिए कोई मीटिंग में हैं और एक का एक कॉल ऑफ नेचर आपको फील हो गया, तो उससे वो क्या है उधर लेना वो बोला। तो उसमें क्या है कि ये आपका हाथ है, इस हाथ को यदि ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, उससे यदि अरे भूखा भी है हमको, इसको यदि आप एंटी क्लॉकवाइज
यदि इसको आप जाचेंगे 4 मिनट के लिए, तो आपको 1-2 घंटे के लिए आपको जो कॉल ऑफ नेचर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि जो आप मीटिंग में बैठे हैं, निकल नहीं सकते वहां से, या ट्रैफिक जाम में हैं, तो इसमें ये ऐसे ऐसे चीज बहुत अच्छे लगे हुए यहाँ पर, लोग देखते हैं, आते हैं और काफी लोग पसंद करते हैं इसको। सर, विधवा महिलाओं को खासकर जो वाराणसी की थी, उत्तराखंड की थी, वृंदावन की महिलाएं थी, विधवा जो महिलाएं थी, उनके लिए भी आपने काफी काम किया, कैसे ये प्रयास आज किस तरीके से फलीभूत होता हुआ दिखाई? देखिए, बात शुरुआत इससे हुई कि उच्चतम न्यायालय ने, उनकी एक संस्था है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके माध्यम से संवाद दिया कि वृंदावन की माताओं को क्या आप खाना खिला सकते हैं। तो हमने कहा जरूर खिला सकते हैं। तो हम वृंदावन गए, उनसे मिले, उनसे बातचीत की, सब लोग रो रही थी, हम भी बहुत बार रोए। और उनकी जो दशा है, एक महिला है 9 वर्ष की थी जब विधवा हो गई, वो शादी हुई, पति घर में आया भी नहीं, बाहर से विदा हो गया कि बाद में फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, वो कभी लौटा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सी कहानियां वहाँ पर है विधवाओं की। और अभी 110 वर्ष की महिला है, जो वो कहती हैं कि जो पहले सब कहते थे कि हम मरना चाहते हैं, अब सब कहते हैं हम जीना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, खाने के अलावे उनको जो रस्म रिवाज हमारा है, आपको ये रक्षाबंधन का है और ये भगवान की पूजा करने का है, त्योहारों का अधिकार जो उनको नहीं था, हाँ उनको जो है ना होली खेलने का है। अब विधवाओं को रंग छूना अपने समाज में अशुभ माना जाता है। हाँ, अशुभ माना जाता था, अशुभ माना जाता था। पति के मरने के बाद भी वो अछूत नहीं थे, लेकिन नियर अंतर्चूलती थे, क्योंकि वो जब पति मर गया तो अशुभ अपने घर में हो गए। घर में कोई शादी है, विवाह है, कुछ हो रहा है, तो वो महिला वहां नहीं रह सकती थी। वो तो इनको समाज में हमने स्वीकृति दिलवाई कि आज उसी समाज में बैठ करके खाते पीते हैं, नाचते हैं। अब नाचना और गाना, ये को सोच भी सकता है कि विधवा जो है नाचती की गाएगी, और होली देखिए होली कैसे खेलती है वो, तो ये संभव नहीं था। तो हमने इस समस्या को, जो ये है कि हमने जितनी समस्याएं ली है जीवन में, वो सब इम्पॉसिबल था। क्या है ये? दिवाली का है, तो दिवाली मना रहे हैं सेलिब्रेशन जी। तो ये महिलाओं का अधिकार नहीं था वो, इसमें इसमें जो मेन हमने किया उसको ब्रेक किया हमने जी। तो जितने हमारे काम थे, सारे काम थे और हैं, वो सब में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और समाज से स्वीकृति दिलवाई हमने, ये महत्वपूर्ण बात है। जो महिला ढो रहे थे उनको भी समाज स्वीकृति दिलवाई हमने। सर, मेरा यही सवाल आगे, सर मैं यही पूछना चाहती थी कि जो महिला ढोने की प्रथा है, उसको प्रथा से आपने जिस तरीके से निजात दिलाई, तो उनको आप मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? देखिए, उसका क्या है, राजस्थान का जो टोंक और जिला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें देखिए, अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जी, वो तो भगवान थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब सभी लोग मंदिर एक साथ जाके पूजा करेंगे, तालाब में एक साथ नहाएंगे, कुआं से एक साथ पानी भरेंगे पीने के लिए और साथ में खाना खाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि छुआछूत समाप्त हुआ है। ये पार्लियामेंट में या असेंबली में जाने से, नौकरी पा जाने से छुआछूत समाप्त हुई ऐसा नहीं मानता हुआ। फिर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले जो टेक्नोलॉजी दिखाई आपको हमने सुलभ शौचालय की, पहले जो कमाओं पखाने वो धोते थे रोटी कमाने के लिए, सबसे पहले उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सुलभ शौचालय में जी। तो कन्वर्ट करने से क्या हुआ, तो उनको ये काम करना नहीं पड़ा, इससे मुक्ति मिल गई। आर्थिक जो ह्रास हुआ होना था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले कमाते थे 300 रुपया, अभी कमाते हैं 10,000-15,000 रुपया महीने का। उसके बाद उनको हमने पापड़, अचार, जबे, साड़ी पर ये कारपेट, ये सब बनाने का सिखलाया हमने जी। और फिर बेचने का भी किया हमने, और लोगों के साथ बैठाया
अपर कास्ट के साथ ब्राह्मणों के साथ बैठाया, खाना खिलाया और गंगा स्नान कराया। ये जो हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयाग है, छिपरा नदी है, सब ले जाकर उनको करवाया। तो समाज में उनका स्थान हो, स्वीकृति हो, इसके लिए हमने काम किया। फिर उनको भेजा घर घर हमने, पापड़ अचार जो बनाते थे लोग बनाते हैं उसको बेचने के लिए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या हुई, बहुत बात हुई कि आज जिस घर में पीछे दरवाजे से जाती थी मैदा साफ करने के लिए, आज अगले दरवाजे से जा रहे हैं और ऊपर में जा रहे हैं। ये जो उनका किचन के पास जाते हैं, किचन में बैठ के कभी कभी चाय भी बनाते हैं लोग। जो मालकिन है कहती है चाय बना लो, पीते हैं फिर काम करवाएंगे, लोग फेशियल करवाती है वो लोग। तो ये है कि वो फेशियल कराने के लिए तो समाज ने पूरा स्वीकार कर लिया। अब एक नई बात है, इस पर डिबेटेबल है, समय लगेगा इसको स्वीकार करने में। लेकिन जो हमारे पास आए थे अंग्रेज हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने पहले कहा कि देखिए आपके यहाँ समाज में यहाँ जो ये जो लोग हैं कि जो जन्म से जाति हो जाती है वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि हम भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका बच्चा खेल रहा था छोटा सा, तो अब मैंने पूछा इसका धर्म क्या है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ओ ही इज क्रिश्चियन। मैडम हाउ ही बिकेम क्रिश्चियन, वो तो पैदा लिया है, अभी छोटा सा है, सयाना होगा तब तय करेगा उसका धर्म क्या होगा। नो बिकॉज यू आर क्रिश्चियन। हम देखिए इसी प्रकार से हमारे यहाँ ये सही नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं इसको तोड़ा है। लेकिन एक चर्चा के लिए मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से आपके यहाँ बच्चा माता पिता का जो धर्म होता है वो धर्म बच्चे का हो जाता है, वही हमारे यहाँ हो जाता है। हमारे यहाँ इस पर बड़े डिबेट हुए हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है गांधी में और अम्बेडकर। गांधी चाहते थे कि नहीं जाति प्रथा तो ठीक है, लेकिन जो छुआछूत है, विषमता है, वो ठीक नहीं है, उसको समाप्त होना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि नहीं 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 जाति प्रथा जो है ये समाप्त करो। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो डॉक्टर अम्बेडकर, अब फर्क ये है कि जो जाके पैर में फटी विवाही सो क्या जाने की प्रहार है, तो जो गांधी की परवरिश और डॉक्टर अम्बेडकर की परवरिश में बहुत का अंतर था। तो ये जब गांधी अम्बेडकर जब पिताजी से मिलने जा रहे थे तो अच्छा कपड़ा सब पहने हुए थे बच्चे सब, स्टेशन पर उतरे और कहा स्टेशन मास्टर को कि एक बैलगाड़ी ठीक कर दीजिए, मुझे फलना गांव में जाना है पिताजी के यहाँ। पिताजी मिलिट्री में थे उनके, तो गया स्टेशन मास्टर बैलगाड़ी ठीक करने के लिए। जैसे ही उसको पता चला कि ये लोग जो हैं सो अनुसूचित जाति से हैं, उसने छोड़ दिया। और यहाँ तक कि हुआ कि जो बैलगाड़ी वाला था उसने भी कहा कि हम गाड़ी नहीं हाँकेंगे, पीछे पीछे हम चलेंगे जी। आप गाड़ी अपना लेके चलिए आप लोग। तो ये जो स्थिति थी, तो अंबेडकर का जो विचार था कि जाति प्रथा खत्म करो, उससे हम सहमत हैं, उससे कोई असहमत हम नहीं है। क्योंकि जो पीड़ा अंबेडकर को सहनी पड़ी वो गांधी जी ने नहीं, गांधी को सहनी पड़ी जी। तो स्वाभाविक हुआ कि जो पीड़ा जो सहा है, हमने खाना कई बार नहीं खाया है, रात में पैसा नहीं था नहीं खाए। अब मेरे पास कोई भी आदमी आता है मिलने के लिए, जो सुलभ के खासकर लोग हैं जी, तो पहले पूछता हूँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये मेरा भी अनुभव रहा है, मैंने खाना खाया है। तो इसीलिए अब मैं पूछता हूँ खाना खाया कि नहीं खाया। इसलिए अंबेडकर की विचार अपने जगह पर सही है, गांधी का विचार अपने जगह पर सही है, हमने दोनों का समन्वय कर दिया। हमने अभी हम अलबर्ट टॉक दो जगह कभी आप मौका मिलेगा तो आप जा सकती हैं, या वहां के लोग आते हैं तो मिल सकती हैं। उसमें है कि उनको हमने कहा कि भाई जैसे धर्म कोई चुन सकता है, धर्म बदल सकता है, तो हम जाति भी बदल सकते हैं, जाति भी चुन सकते हैं हम है? जिससे तो ये अल्बर्ट टॉक में उन्होंने कहा ब्राह्मण हो आप, ब्राह्मण है तो हमको ब्राह्मण बना दीजिए, हमें बनाना क्या है, तुम चुन चुन लो।
तो ये कहने का मतलब है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा जी। और धैर्य रख करके, बट ये नहीं हो सकता है कोई अछूत रह जाए, कोई छूत हो समाज में। इस प्रकार का भेद जो है ना, ये सभ्य समाज के लिए कभी भी स्वीकार नहीं। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप 1968 में भंगी मुक्ति समिति से आपको जुड़ने का मौका मिला और आप 3 महीने तक लगातार उस बस्ती में रहे, भंगियों की बस्ती थी जो वाल्मीकि समाज की बस्ती थी, और इतने सालों के, तब तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब से आपने क्लब में काम करना शुरू किया। अब हम 2021 के युग में हैं, इस लंबे अंतराल में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला स्वच्छकार समाज का, भंगी समाज का, वाल्मीकि समुदाय की स्थिति में, सामाजिक में परिवर्तन कुछ दिखाई दिया सर? परिवर्तन दिखाई जो पड़ रहा है, तो उसमें जितना रिजिड सिस्टम था जी, जिसे आप लोगों के गांव में लोग छूते नहीं थे, लोग उनसे पानी नहीं लेते थे पीने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, शिड्यूल कास्ट के लोग, इसको हमने दो भाग बांटा है, एक बांटा है प्योर और एक इम्प्योर और एक अनटचेबल। तो इम्प्योर कौन लोग हैं, हम सिर्फ चूंकि ये व्हाट्सएप बैन हो गए हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक्सपेंड करने के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे आपको रविदास का है, पहले चमार बोलते थे, अब वो मना हो गया है, बैन हो गया है, अब उनके साथ हम लोग जूता लेते थे, जूता सिलवाते थे, गेंद सिलवाते थे उनसे हम लोग। हाँ, अभी क्या है कि अब पहले गेहूं लोग लाता था दूसरा जाति के लोग जी, लेकिन पिसा हुआ नहीं आटा, आज जो है पिसा हुआ आटा लोग ले रहे हैं, तो एकदम चेंज हो गया है, यह तो मैं नहीं कहूंगा जी, जी। लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत हद तक चेंज हुआ है जी। और इसको लेकिन मेरे ख्याल से एक सामाजिक और जो वातावरण जो आंदोलन है, जैसे स्वच्छता का आंदोलन चला है ना जी, जी। उसी प्रकार से इसका भी एक आंदोलन चलना चाहिए जी, ताकि कोई भेद न रहे, समाज रह जाए, सभी बराबर हो जी। बराबर हैं संविधान में, सब कानून में बराबर हैं, बहुत हद तक दूर भी हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बाकी है अभी भी जहां तहां घटनाएं सुनाई पड़ जाती है, तो वो सुनना नहीं पड़े हम लोगों को, सबको स्थान मिले, सभी इज्जत से रह सके समाज में, सर उठा के रह सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर 2-3 सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं लेकिन कुछ सवालों को हम ले पाएंगे, हमारी समय सीमा भी है और आपका महत्वपूर्ण समय भी है, उस समय सीमा को देखते हुए सूरज भान जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने किसी वाल्मीकि को अपना नेता नहीं बनाया, आप किसी वाल्मीकि को ऊपर रखकर काम करते तो बात और होती, अभी तो आपने इसे इसको व्यवसाय बनाया है, सुलभ तो पैसा चार्ज कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी सर कि ये प्रश्न जो आया है इसमें जो अभी पद्मश्री जिनको मिला है, उषा, तो उषा जी 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 हाँ, तो उषा गोमर, उषा जी का उदाहरण हमारे सामने है, वो तो वाल्मीकि समाज की ही आती है, आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, ये जानना चाहते हैं जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, यदि जो सिस्टम दिया हमने, इसमें दो है, एक तो है कि असमानता का छुआछूत दूर करने का, एक है शौचालय उपयोग करने का। तो अब देखिए कि अभी जो शौचालय का उपयोग करने का, ये 1872 एक कानून बना था कलकत्ता कॉरपोरेशन में कि पैसा लेके शौचालय का इस्तेमाल हो, लेकिन 96 वर्ष तक नहीं चला वो। तो 1974 में पहली बार पटना में हमने इसका प्रयोग किया और लोगों को थोड़ा शंका थी पैसा कौन देगा, कौन जाएगा उसमें, तो हमने कहा साफ सुथरा रहेगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन गंदा रहेगा तो जाएगा कौन उसमें। तो शौचालय के साथ पानी लगाया हमने, नहाने का किया, वॉश बेसिन किया, साफ हाथ धोने के लिए साबुन दिया, तौलिया दिया, और राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाया हमने कि 24 घंटा ड्यूटी रहेगा तभी मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो उसको छोड़ देंगे
तो कोई आदमी जो है वो कोई जवार उखाड़ के ले जाएगा, कोई पैन उखाड़ के ले जाएगा, जो अभी होता है। तो कहने का मतलब है कि ये यदि पैसा हम ना लेते तो सरकार पैसा दे जी। तो पब्लिक एक्सचेकर पर, ये तो हमारे लिए ये अप्रिशिएबल ये है कि पब्लिक एक्सचेकर पर बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, पब्लिक के पैसे से ही सारा काम चलता है। तो ये तो प्रयोग बहुत ही अच्छा साबित हुआ और यही चीज सब में है। आप देखिए ना, जैसे आप गाड़ी लगाते हैं अपना ये इसमें पार्किंग में, तो आप सारे आप जो पानी पीती हैं, तो दिक्कत कहाँ पर है? ये हर बात में पैसा लगे तो कोई इतराज नहीं है। शौचालय का जी पैसा लग गया तो बड़ी इतराज वाली बात है। तो अब ये सर, मेरा अंतिम सवाल, सर मेरा अंतिम सवाल, स्वच्छकर समाज को आप क्या संदेश अंतिम रूप से देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना, उसमें क्या होता है कि अपो दीप भव, बुद्ध ने कहा कि अपनी ज्योति आप जगाओ जी। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप बताइए आपको थोड़ा बड़ा कोई हेल्प किया होगा, लेकिन सर किया है, मैं बिल्कुल मतलब लेकिन है कि आप स्विंग, आप स्विंग तैयार हुई जी, आप में स्विंग लाइट था तो जल गया वो, और जिसमें लाची ना हो वो क्या जलेगा? तो ये जो समाज के लोग हैं उनको स्वयं आगे आना पड़ेगा। आज देखिए पद्मश्री मेरे ख्याल से किसी मेला ढूंढने वाले को आज नहीं मिला था, नहीं मिला सर अभी तक, पहली बार पद्मश्री। हाँ ये तो आपको ही मिलना चाहिए, ये पद्मश्री जो है हम लोग बंद करेंगे आपको भी मिले। तो कहने का मतलब ये तो नहीं, आपका काम ही ऐसा है, इसमें कोई परवाह नहीं है, आपने जो काम किया है अपने समाज के लिए और वास्तव में जिस ढंग से किया है तो मिलना चाहिए। तो करने का मतलब ये है कि आप देखिए वो उसको पद्मश्री मिल गया जी जी। तो पद्मश्री ऐसे मिलता नहीं है, बिल्कुल ऐसे मिलता नहीं है, इस लायक हुई तब तो मिला जी। तो मेरा जो है कि जैसे इम्तिहान में यदि पास करता है तब समझ आता है कि हाँ पढ़ा था ये, आप कितना भी पढ़ लीजिए इम्तिहान में पास नहीं हुए तो कुछ नहीं। तो ये हमारा तो ये जो स्कैवेंजर्स कम्युनिटी है वाल्मीकि के जो भाई बहन है उनके लिए उषा जो है हमारे लिए इम्तिहान में पास बनने के बराबर है कि हमने हमने ये करके दिखा दिया कि जो 2003 तक जो महिला ढो रही थी, आज देखिए ये उसका पिक्चर देखिए, दो पिक्चर है जी। ये है जो महिला ढो रही थी 2003 में, और ये पुरस्कार मुझे मिलना था सुलभ को, तो हमने उषा को कहा कि तुम जाओ लेने के लिए हम तो हाँ। तो ये देखिए कितने का अंतर है, ये 2003 और 2015। तो ये है कि अब आपको आगे आना पड़ेगा, लोग अच्छे जो लोग अभी भी समाज में हैं मदद करेंगे, लेकिन जो आपका प्रश्न था उसमें यही है कि आपको बुद्ध का जो कहावत है अपो दीप भव, इस बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कोई कोई ईश्वर नहीं है, आप ही ईश्वर हो जी जी, आप ही ईश्वर हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ही ईश्वर हो और आप अपनी ज्योति आप स्वयं जलाइए, तब सब आपको लोग स्वीकार करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय स्वच्छकर समाज की आवाज को दिया है, और हमारे फेसबुक के जितने मित्र हैं तमाम मित्रों का सर मैं आभार व्यक्त लिखना चाहे समय तो है नहीं जी, अलग से कोई लिखना चाहे प्रश्न जिसे उन्होंने किया सूरज भान जी ने, ऐसे और प्रश्न आए तो अच्छा होगा हम जवाब देंगे उनको भेजेंगे सर। इस चर्चा को हम किसी और दिन फिर रखेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का लगातार फोन आ रहा है सर, डिपार्टमेंट की तरफ से वर्कशॉप चल रही है। अच्छा ठीक है जी, मैं माफी चाहूंगी तमाम दर्शकों से, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेके सर से जब बात करूंगी तो कम से कम हमें एक घंटा और चाहिए, और मेरी एकेडमिक व्यस्तता की वजह से मैं तमाम मित्रों से माफी मैं मांगती हूँ। सर तो बिल्कुल तैयार है प्रश्नों के जवाब देने के लिए। अशोक सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और केतन राकेश जी का। अशोक जी, अशोक जी धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद है, आपने इतना समय दिया, हम सबका अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार सर। और मैं तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि मुझे खुद सर ने दो बार एयर टिकट का उपलब्ध करवाया था, बहुत आगे बढ़ के हाथ थामते हैं आपका, बहुत समाज में
व्यक्तिगत रूप से, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से समाज को आगे ले जाने में बहुत बड़ा हाथ आपका है। आपका आशीर्वाद, आपका तमाम जो जो जितनी प्रतिभा आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है वो तमाम हम जैसे लोगों के भी अंदर आए, मैं ऐसी आशा करती हूँ। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू।